तो गुड मॉर्निंग, तो गुड आफ्टरनून गाइस, आप सबके साथ सबका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल में। तो गाइस चलो, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि 10 साल से साथ में है। लड़की नेपाल से है और लड़का हमारा ये इंडिया से, दिल्ली से है। तो चलो उनसे उनकी स्टोरी पूछते हैं कि वो कैसे मिले। चलो ये रहे, देखो इनकी प्री वेडिंग हमने की थी। और बताओ भैया, आप दोनों कैसे मिले? दीदी बताएंगी, बताएं दीदी। सो ऑलमोस्ट 9 years अगो एक कॉन्सर्ट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी पोलो ग्राउंड में, दिलजीत दोसांझ, एंड वी मेट एट दैट कॉन्सर्ट, बट वी स्टार्टेड टॉकिंग थ्रू इंस्टाग्राम। सो दिस वाज अर्ली 2014, एंड देन उसके बाद हम लोग मिले, मतलब कॉन्सर्ट के बाहर अकेले मिले। I think we went out for a drive first time. Ride bike. Yeah, no, it was on the car. It was on a car, in your car, yeah. And then उसके बाद बस बातें होती रही, and पता ही नहीं चला कि कैसे 9 साल ऐसे ही गुजर गए, और अब हम शादी कर रहे हैं very soon in December. And yeah, very excited, very scared but excited. तो guys, आप दोनों में से offer किसने first time करा था? ऑफर तो किसी ने नहीं मारा, म्यूचुअली हो गया जो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इसने प्रपोज किया था। यू आर सच अ लायर, ओह माय गॉड। ही आस्क्ड मी, आई रिमेम्बर, हम लोग राइड से वापस आए, ड्राइव से इंडिया गेट से, एंड देन ही टोल्ड मी ओके देन आई आल्सो वोंट डेट एनीवन, यू आल्सो डोंट डेट एनीवन। सो आई थिंक ऐसे ऑफिशियल वाला प्रपोजल नहीं हुआ कभी, दैट आई अग्री, बट ही आस्क्ड मी टू बी हिज गर्लफ्रेंड फर्स्ट बिकॉज ही वॉज वेरी, मतलब ये ऐसा था कि नहीं मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना, ऐसा वाला था। बट मैं ऐसी थी कि अगर जब तक तुम रिलेशनशिप का नाम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी नहीं। तो या आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और कुछ बताना चाहोगे आप अपने बारे में? अपने बारे में नहीं, मैं इसके बारे में बताना जरूर चाहूंगी। आई थिंक द पास्ट 9 years हैव बीन, मतलब मेरी लाइफ का सबसे हाईलाइट और सबसे दिलचस्प 9 साल गुजरे हैं मेरे इसके साथ। मेरा दिन चाहे जितना भी बुरा हो, ये मेरे एंड ऑफ द डे ही मेक्स मी हैप्पी, ही मेक्स मी स्माइल, एंड दैट इज व्हाई आई एम मैरिंग हिम, because I know that he'll always make me smile. Yeah. और भैया आप कुछ? बस इसने बोल दिया सब कुछ, मेरे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो गाइस आपने स्टोरी सुनी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी, एक कॉन्सर्ट में मिले, ये मूवी वाले जैसे होता है ना, वो वाला सीन था। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि ये दोनों कैसे मिले। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो गाइस अब हम चलते हैं, फिर हम मिलेंगे आपकी वेडिंग में बहुत जल्द। आप ही लोग आना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप अभी जा रहे हो उधर, वेट कर रहे हो? नहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो चलो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।